साहब सरकार के बनाए सो था। उसके बाद 56 में आंध्र प्रदेश हुआ, मगर वो सेक्रेटरीट काम में आया, नए बिल्डिंग बनाए, करोड़ों रुपए खर्चा करे। आज क्या हुआ, 2004 में आंध्र तेलंगाना अलग हो गया। आंध्र वाले सब जितने भी काम करने वाले थे सब अमरावती चले गए, तो खाली पड़ा हुआ है। मैं परसों जाके देखा है सेक्रेटरीट अंदर क्या हालत है, खाली क्या है, क्या बोलते हैं, बिछुआ नहीं तो बिल्लिया फिर रहे। भाई क्यों खाली सेक्रेटरीट रहने के बाद दूसरा सेक्रेटरी क्या सोचे तुम्हारा, उसके ऊपर वास्तु कहते। वास्तु का मतलब तेरे अकेले को ना रे भाई, तेरे को वास्तु अच्छा है बोल के तेलंगाना सोनिया गांधी दी, अब सब लड़े, नौजवान बच्चे जान की कुर्बानी दिए, उसके बाद तेलंगाना है तो वो चेहरा तेरे को लग गया। अब इससे ज्यादा वास्तु क्या होना रे भाई, फिर एक नया वास्तु कहते, नई जगह वैसे पोलो ग्राउंड पे तू अपना सेक्रेटरीट बनाना, वहां के नौजवान बच्चे बोल रहे भैया हमारा ये खेल कूद का ग्राउंड को सेक्रेटरीट नहीं बनाना, हम कहाँ खेलना। उनके बच्चे बोल रहे, उनके माँ बोल रही हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे, अगर खेलने को मौका नहीं मिला क्या जाएंगे, नक्सलाइट बनेंगे, चोर बनेंगे। तो इसी वजह से आवाम भी चाहती, नौजवान भी चाहते, खेल खिलाड़ी भी चाहते। भाई तू जब भी सानिया मिर्जा जीत के आती, पीवी सिंधु जीत के आए तो तू करोड़ों रुपए दान देता है, मगर नए सिंधु को क्यों नहीं तैयार करता, नए अजहरुद्दीन को क्यों नहीं तैयार करता, नहीं मुकेश को क्यों नहीं तैयार करता, नए नौजवानों को भी मौका मिलना है। वो बैसन पोलो ग्राउंड, जमकाना ग्राउंड को खेल कूद का अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए तो नौजवान बच्चे खेल कूद के तेलंगाना का नाम लाते, तेलंगाना बंगार बोले तो स्पोर्ट्स बंगार तेलंगाना ला सकते। तो उसके ऊपर सोचिए भगवान अल्लाह मियाँ, मैं यही ठहरा हूँ चार मीनार मक्का मस्जिद बाद में, अल्लाह मियाँ जरा एक सोच दे दे इसको, आप लोगों को भी धोखा दिया, 12% रिजर्वेशन देता है भाई, मगर तुमको देंगे रमजान को कपड़े देंगे और क्रिसमस को कपड़े देंगे, दशहरे को आए तो औरतों को कपड़े दिया, परसों साड़ी, ऐसा साड़ी दिया भैया अपनी घर के नौकरानी भी नहीं पहन सकती। वो समझ गए ना, जो पकाते ना बाल्टी उठाते ना उसके काम के कपड़े दिया, मगर उसकी बेटी मैं कोई सुना 5 लाख का साड़ी पहनती कहते हुए, 5 लाख अब तो मैं जिंदगी में नहीं देखा, 5 लाख में 500 लोगों को काम में आता था, मगर इन्हें 5 लाख की साड़ी पहनती, गरीबों को कह के 20 रुपए का साड़ी दी, अब पब्लिसिटी कह के करोड़ों का। आप लोग भी मीडिया वाले ऐसा पब्लिसिटी दे रहे उसको, सुबह उठे की पेपर में टीवी में बेटी बेटा बेटी बेटा, बच गए तो बाप, ये तीनों का ही दुकान चल रहा है। जरा कभी कभी हमारा भी बताओ ताकि आवाम को मालूम हो सकता कि सरकार कैसा काम कर रहा। आवाम की बात, एक जमाने में मैं देखता था मीडिया को देख के सरकार डरती थी, अब सरकार को देख के मीडिया डर रही, ये क्यों भैया, बराबर लिखो ताकि आवाम को मालूम हो सरकार केसीआर ये गलत काम नहीं करना। इलेक्शन से पहले क्या बोला, 3 एकड़ जमीन हरिजनों को दे तुम बोला, चीफ मिनिस्टर हरिजन को बना तुम बोला, उसके बाद क्या बोला 2 बेडरूम, अब तक क्या बेडरूम रहे भाई, फुटपाथ पे सोने को भी जगह नहीं है, अब 3 एकड़ जमीन बोला गरीबों के, 3 एकड़ जमीन हरिजनों को दे तुम बोला, अब तक दिया क्या, नहीं दिया, घर को एक नौकरी बोला दिया क्या, अब नया बोल रहा, अब नया क्या बोल रहा, घर को एक बहिंस कर घर को एक, अरे मकान ही नहीं है तो बहिंस कहां बनना रे भाई, बहिंस को घास कौन डालना ये बताओ भैया। अब उसके बाद बकरे, अरे कितु बकरे दे रहा, 20 बकरे को एक पोटेल, एक पूछा भाई क्या है रे भाई तू, 20 बकरों को एक पोटेल काम में आता क्या, बोला मैं बोले क्यों क्यों, अरे कुछ ये तो 4 पोटेल को दे दो 20 बकरे को दे, बोला एक पोटेल काम नहीं कर सकता कहते, समझ गए ना। तो इसी वजह से ये सरकार सब गलत काम कर रहा, वो बकरे भी बेच ले रहे, ये जा रहा उधर बेच के आता रायचूर में, फिर दूसरे दिन रायचूर से दूसरा खरीद के आके अपना काम पर अंबर पेट करने कमेले करने काटने का काम हो रहा, हर चीज दोबारा काम रोज एक। अब क्या बोला, 1 लाख करोड़ मिशन हैदराबाद, अरे भैया तू क्या कर सकते हो, वरंगल में भी ऐसी बोला अंडरग्राउंड ड्रेनेज बोला अभी तक नहीं बना है, दो दो
दो रूम का मकान अभी तक नहीं दिया, अब हैदराबाद वालों को भी छुतिया बनाने का काम कर रहा है। ये 1 लाख करोड़ कहां से लाता रे भाई तू? सबको पिलाने का काम कर रहा है। पहले 9 बजे 10 बजे खुलता था दारू की दुकान, अब तो 9 बजे ही खुल रहा है। रात में बंद होने का 10 बजे था, 11 बजे शुरू हो गया। 1 घंटा ज्यादा पी लो, पहले क्या था तब एक बॉटल लेके घर को जाता था, अब तो क्या परमिट रूम करते वहां लेता या पीता फिर जाके लेता, उसके बाद रात में बीबी निकलती हमारे मियाँ दिखे क्या अब कहां से देखते तेरे मियाँ, अब बाहर निकले तो पुलिस वाले पकड़ रहे डालते। मैं बोला क्या है रे भाई, पिलाना काम तुम्हारा ही, फिर पकड़े क्या करना साहब, हमारा तनखा नहीं दे रहा उस वस्तु। सुबह के टाइम देखे तो साइकिल मोटर वालों को पकड़ो। मैं पूछा रे कब तक ऐसा बेमन साहब, हमारा तनखा नहीं दे रहा, तुम जितना चालान करे तो तुम्हारे को तनखा भी नहीं। ये सरकार लोगों का पसीना लोगों का खून चूस रहा, तो इसी वजह से सरकार को ये बताने को आया हूँ, नई सेक्रेटरी की जरूरत है, पुराना सेक्रेटरी रहना चाहिए, आवाम का पैसा खराब न करो। ऑलरेडी प्रगति भवन बना लिया, उसमें किसी को आने नहीं देता, गए क्या अब कभी गए? ये गया तो रिपोर्टर के जैसे गए, तुम्हारा बेटा कभी गया क्या? बोल नहीं जाता, रिपोर्ट ये रखे तो जाने देता, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहे तो। अब तक किसी को अंदर जाने नहीं देता, किसान को जाने नहीं देता, अनएम्प्लॉयड को जाने देता, वो लोग नहीं मिला बोल के आखिर में जहर खा के लोग मर रहे। तो ये सरकार का काम है, मैं चाहता हूँ कल 10 बजे प्रेस क्लब में, जो खैरताबाद में प्रेस क्लब है ईनाडू के सामने, श्रीनिवास रेड्डी सीनियर रिपोर्टर के सामने 20 जगह जो मैं रखा हूँ ओपिनियन पोल, वो डब्बे खुलेंगे। उसके बाद भी मैं अल्लाह भी से दुआ करता हूँ, अल्लाह भी ऐसे दुआ करता हूँ, इसको एक अच्छा जहन दे दो ताकि ये सोच में बदलो, आवाम का पैसा खराब न करो। और दूसरी बात, नौजवान बच्चों को खेलने का वैसे पोलो ग्राउंड, जमखाना ग्राउंड वैसी रहना है तो सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, अजहरुद्दीन, पीवी लक्ष्मण, ये सब बन सकते, ये मेरी गुजारिश। थैंक यू।